अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजामना फूड्स। आज हम बना रहे हैं मटन के कीमे के राइस कबाब। आधा किलो हमने मटन का कीमा लिया है मशीन से निकला हुआ। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, एक कप पानी डालेंगे, और 30 मिनट रखेंगे इसको स्लो आंच पे। 150 ग्राम हमने चावल लिए हैं और एक घंटा पहले इनको भिगो के रखा है। हाफ लीटर पानी डालेंगे चावल बॉईल करने के लिए। पानी बॉईल होना शुरू हो गया, अब इसमें चावल डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से धो के एक घंटा भिगोया है। चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे और चावल गलने तक इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक टेबलस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, एक बड़े साइज का प्याज जो हमने बड़ी बड़ी चॉप कर लिया, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, एक टेबलस्पून मक्खन, थोड़ा सा हरा धनिया, एक टीस्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून नमक और डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमने भून लिया, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चावलों को हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया, अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें जो हमने पीस ली हैं वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे। और इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। घी गरम हो चुका है, अब कबाब फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे।
कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आज की हमारी रेसिपी तैयार है, मटन राइस कबाब। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।